नमस्कार मित्रों, धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियों थी, परंतु किसी के भी कोई संतान न होने से राजा बड़े दुखी थे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को अपना दुख सुनाया और उनके आशीष से राजा दशरथ ने पुत्र कामिष्ठि का यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। और कैसा था राम राज्य, जानिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, राक्षसों के तंग करने पर गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अपने आश्रम में ले जाने का आग्रह किया। तब पिता दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। सीता स्वयंवर देखने के लिए गुरु श्री राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, जहां गुरु आज्ञा से श्री राम ने धनुष तोड़ा और उनका सीता जी के साथ विवाह हुआ। राजा दशरथ ने जब पुत्र श्री राम को राज तिलक देना चाहा, तो माता कैकेयी ने राज दशरथ को अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री राम को 14 बरस के वनवास पर भेजने की इच्छा जताई। श्री राम को जब अपनी माता की इच्छा का पता चला, तो उन्होंने सहर्ष इसी स्वीकार किया और 14 बरस के लिए वनवास को चले गए। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी भी वन में गए। त्रेता युग में श्री राम के शासन काल को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें सभी लोग खुश थे। फल, फूल, पशु, पक्षी, समस्त प्रकृति प्रसन्न थी। लोग सत्य बोलते थे, किसी प्रकार का किसी के मन में कोई द्वेष, वैर, विरोध, लूट, चोरी, झगड़ा इत्यादि नहीं होता था। सभी परस्पर प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। जब 14 बरस तक भगवान श्री राम वन में गए, तब तक भगवान श्री राम की खंडाओं को ही उनके आसन पर रखा गया। भरत ने राज तिलक स्वीकार नहीं किया। शास्त्र अनुसार जब तक भगवान वापस नहीं आए, तब तक अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। तो मित्रों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई वीडियो आपकी समक्ष पहुंच सके। धन्यवाद।